हेलो दोस्तों, मैं भावना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और प्यारे से न्यू ब्लॉग में, और आशा करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो नवरात्रे शुरू हो गए हैं, माता रानी के नवरात्रि आ गई है, और आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से शुभ नवरात्रि, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो माता रानी से आज मैं यही प्रार्थना करूँगी कि हे माँ, हम सभी पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना और सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। जय माता दी। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, और देखिए मेरी सुबह सुबह पूजा संपन्न हो गई है, बहुत ही अच्छे से, विधि विधान से, जितना कि मुझे आता है मैंने उस तरीके से माता रानी की पूजा की है। और नवरात्रि में सभी लोग व्रत करते हैं, तो आज हमारा भी व्रत है। और सुबह सुबह ही मैं मंदिर गई थी और वहाँ माता रानी के दर्शन किए, पूजन किया, और उसके बाद फिर घर पर आकर मैंने बहुत अच्छे से माता रानी की पूजा की। आप सब भी दर्शन कर लीजिए। और जब भी कोई त्यौहार आता है, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, एक अलग ही रौनक सी आ जाती है घर में और मंदिर में। देखिए हमारे बांके बिहारी लाल जी भी कितने सुंदर लग रहे हैं आज, और हमारे भोलेनाथ, हमारी गौरी मैया, गणपति महाराज, सभी लोग, ऐसा लग रहा है कि जैसे आज बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत ही खुश हैं। तो आज सुबह सुबह ही मैंने माता रानी की बहुत अच्छे से पूजन किया, हवन आरती की, और ये सब करने के बाद मन को एक अलग ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और दिन भर आप प्रसन्न रहते हैं। और मुझे बहुत अच्छे से तो पूजा पाठ करना नहीं आता, पर जितना भी मुझे आता है, जैसा भी मैंने अपनी माँ को बचपन से करते हुए देखा है, उसी प्रकार से मैं भगवान जी की पूजा करती हूँ। और पूजा करने के बाद मुझे बहुत ही सुकून और शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है, और दिन भर मन प्रसन्न रहता है। और ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े स्तर पर पूजा पाठ करें तभी उसका फल मिलेगा, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, और सच्चे मन से आप उन्हें याद भी करते हैं तो भगवान अपनी कृपा ज़रूर बरसाते हैं। और जब भी मैं पूजा पाठ करती हूँ तो सच्चे भाव के साथ करती हूँ, और मन में ये विश्वास रखती हूँ कि ईश्वर मेरे भाव देख रहे हैं और मुझ पर सदा अपनी कृपा यूं ही बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर सदा अपनी कृपा यूं ही बरसाती रहें, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। और अभी है शाम का टाइम, और मैं आ गई हूँ आंगन में दीपक लगाने।
और चलिए थोड़ा सा अपने आंगन का व्यू भी आपको दिखा देती हूँ। और इसके बाद हम चलेंगे मंदिर माता रानी की आरती में शामिल होने के लिए। और चलिए अब आप सभी को मंदिर लिए चलती हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं माता रानी। जय माता दी। माता रानी की आरती हो चुकी है और सभी भगवान जी के दर्शन भी आपको करा देती हूँ। इसके बाद भजन होते हैं माता रानी के। और ये रहे हमारे मंदिर के पंडित। जय श्री राम पंडित जी। जय माता दी। सच्चे दरबार की जय। तो दोस्तों ये था आज नवरात्रि के पहले दिन का एक छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलती हूँ जल्दी आपसे एक और न्यू ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नेचर से प्यार करती रहिए।